हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ। सो आज है 30 मार्च और आज है सैटरडे। तो आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम लोग अपनी वो क्लासेस कंप्लीट करेंगे जो हमारी बैकलॉग क्रिएट हो गई हैं ड्यू टू होली या सम अदर रीजंस। सो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि हमारे किस सब्जेक्ट में कितने लेक्चर्स बचे हैं, उसके हिसाब से अपना डे प्लान करते हैं। सो मैंने सारे लेक्चर चेक कर लिए। हम लोग का जो भी बैकलॉग है वो सिर्फ मैथ्स में ही है, मतलब मैथ्स स्टैट्स एलआर में ही है, क्योंकि अकाउंट्स लॉ और इकोनॉमिक्स का पूरा लेक्चर डन हो चुका है। मैथ्स में हम लोग का प्रोबेबिलिटी का 6 लेक्चर बाकी है, कोरिलेशन रेग्रेशन का 2 लेक्चर मैं कर चुका हूँ, 3rd बाकी है, और ये एलआर का सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग लेक्चर थोड़े ज़्यादा हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये 30 और 31st यानी सैटरडे संडे दोनों दिन क्लासेस ऑफ हैं, तो टोटल मिला के मैं ये सब कंप्लीट करूँगा अपना 2 दिन में। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन से और वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या उठाना है। सो डन विद द कोरिलेशन लेक्चर। कोरिलेशन का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट आज ही निशान सर पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, तो एक लेक्चर और एक्स्ट्रा भी ऐड हुआ है हम लोग जो लिस्ट बनाए थे उसके अलावा। तो अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग का पूरा कोरिलेशन रिग्रेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं वो लेक्चर कंप्लीट करते हैं ताकि आज ही वो चैप्टर फिनिश हो जाए। सो डन विद द स्टैट्स लेक्चर। स्टैट्स का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि इसमें थोड़ा कंटेंट ज्यादा बचा था, तो सर का अभी इसमें एक लेक्चर और लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट करने में। सच बताऊँ तो कोरिलेशन तो फिर भी ठीक था, रिग्रेशन थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा है, समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, उसको शायद मुझे 2 एक बार और रिवीजन करना पड़े। लेकिन हाँ, जो 2 लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग उठाऊंगा मैं। लॉजिकल रीजनिंग में मैं शायद सीटिंग अरेंजमेंट करूँ और हाँ स्टार्ट करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़ना है। कोरिलेशन के दोनों लेक्चर हो चुके हैं और हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब लेंगे थोड़ा सा ब्रेक और लंच करेंगे और उसके बाद देखते हैं, हम लोग को आज मंदिर भी जाना है क्योंकि आज सैटरडे है, तो आज हम लोग संकट मोचन जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। सो देखते हैं उसके बाद जैसा रहता है। सो अभी हम लोग का एक सडन प्लान बना है क्रिकेट खेलने का, सारे दोस्त आ रहे हैं, ये बैट और ये मेरा एक दोस्त, हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। सो अब मिलते हैं सीधे ग्राउंड में। मॉर्निंग एवरीवन, आज है 31st मार्च और आज है संडे। ये ब्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया था सैटरडे को, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे मैंने कल 3 लेक्चर्स किए थे, बट जो लिस्ट बनाए थे उसके हिसाब से हम लोग को एटलीस्ट 5 लेक्चर्स का कंप्लीट कर लेने चाहिए थे, बट हाँ कुछ सडन प्लान्स की वजह से हो नहीं पाया। और कल जब हम लोग मंदिर गए थे तो वहाँ इतना हैवी क्राउड था कि वापस रिटर्न आने में मुझे लगता है 9:30 बज गया था मुझे। सो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं इस ब्लॉग में एटलीस्ट जो टारगेट सेट किया था वो कंप्लीट कर लूँ। सो अभी बज रहे हैं 6 और मैं सोच रहा हूँ अभी जल्दी से हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट करते हैं और फिर मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें पूरा संडे ऐड करूँगा तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना एक और लेक्चर और उसको कंप्लीट करते हैं।
7:37 और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी लेक्चर हो गया लॉजिकल रीजनिंग का, सो अब ये ख़त्म करते हैं जल्दी से।